Anyone having any doubts on the cardiac cycle topic? Cardiac cycle is clear to all. The three phases are clear: joint diastole, atrial systole, and ventricular systole. Along with the atrial systole and ventricular systole, there are also the diastolic phases of the opposite going on. ठीक है, मैं कल वाले टॉपिक से कंटिन्यू कर रही हूँ. आप लोगों ने कार्डियक साइकिल पढ़ा, जब भी कार्डियक साइकिल आपने समझाना है तो आपने ऑपोजिट फेज नहीं समझाना, लेकिन आपको ईसीजी में काम आएगा वो ऑपोजिट फेज जो है. हम लोगों ने तीन फेजेस यहाँ पे पढ़े, एक है जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है, देन देयर इज एट्रियल सिस्टोल. ये नाम मैंने बताया था कल, कब दिए हैं हमने, थर्ड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये सिर्फ उन चेंजेस को दिया है दैट विच ऑल्सो लीड टू द ब्लड पैसेज, सिर्फ वो वाली चेंजेस है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि जॉइंट डायस्टॉल में क्या था, दोनों चैम्बर्स ओपन थे, और एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी दोनों ओपन थे ना. अब जब ये दोनों चैम्बर्स ओपन थे, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ओपन थे, उस समय तक के लिए ब्लड यहाँ आया, और आते क्योंकि यहाँ रुकना है, ऑरिकल में रुकना है, तो वेंट्रिकल बंद हो गए. वेंट्रिकल के बंद होने पे ब्लड का पैसेज तो नहीं चेंज हुआ, वो जहां था वहीं था, समझ आया, जहां था वहीं था, ऑरिकल में जितने समय के लिए रहेगा वहीं पे रहा, और ये वेंट्रिकल बंद हो गया, इसलिए हमने वेंट्रिकल के बंद होने का पहला फेज नहीं लिखा, है कि नहीं, ये क्लियर हुआ. अब इसके बाद सेकंड मैंने जो फेज को नाम दिया वो है एट्रियल सिस्टोल. जब ये बंद हुआ तो ब्लड निकल के आगे गया, ब्लड का पैसेज हुआ ना, ब्लड का जब फ्लो हुआ तो मैंने इस चेंज को नाम दिया एट्रियल सिस्टोल, है कि नहीं. आपने ये साथ में बोला कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा है. अब देखो पहला वाला चेंज क्या था, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है. वेंट्रिकल बंद था इनिशियली जॉइंट के बाद, है ना, वेंट्रिकल बंद था, एट्रिया खुला है. जब ये बंद हो रहा है एट्रिया, तो वेंट्रिकल भी तो खुल रहा है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल क्यों नहीं लिखा, बताओ, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल क्यों नहीं लिखा. ऑपोजिट तो हो रहा है ना, इट इज ए कंपेंड, ये तो क्लियर हो गया. एट्रियल सिस्टॉल के साथ डायस्टॉल भी हो रहा है वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड एट्रियल सिस्टॉल. Blood is passing from this to the ventricles, from the auricle to the ventricle. That is why हमने इसकी movement को नाम दे दिया. Atrial systole हुआ, फिर ventricular systole हुआ, तो blood move हुआ. But दोनों साथ में accompanied भी हैं, ठीक है. ये हम नहीं कहेंगे कि ventricle को कुछ नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते. जब तक atrial systole हो रही है, साथ साथ में एक और change आ रहा है, जिसमें है ventricular diastole. वेंट्रिकुलर डायस्टॉल भी हो रहा है, बट द ब्लड इज पासिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू नेम दिस एज अ पर्टिकुलर स्टेप इन द कार्डियक साइकिल. समझ आया. ऑपोजिट एंड में देखें, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल था, अब ये ब्लड यहाँ पे है वेंट्रिकल में, ठीक है, लास्ट जब एट्रियल सिस्टॉल हो गया, सिस्टॉल ये बंद हो गया, ये वेंट्रिकल के अंदर चैम्बर के अंदर ब्लड है. अब जब इसने बंद होना है, ऑल्टरनेट ऑरिकल नहीं खुलना है, है कि नहीं. अगर इसका सिस्टॉल हो रहा है तो इसका भी तो डायस्टॉल हो रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो देयर, दिस इज ऑल्सो कंपेंड बाय द ऑरिकुलर डायस्टॉल. ऑरिकुलर डायस्टॉल हो रही है, लेकिन हम नाम नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड पैसेज किसकी वजह से हो रहा है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, राइट. नाउ व्हेन वी बेसिकली गो विद द मेजरिंग ऑफ द प्रेशर्स इन द ब्लड, दिस इज डायस्टॉल मीन्स द रिलैक्स्ड फेज, this is the relaxation phase, and the systole means the contracted phase, yani ki contraction taking place. Now in comparison to the two, relaxation ya contraction, in the comparison to the two, which will be exerting more pressure on the blood, the blood will be exerted with more pressure in which phase, relaxation phase or the, one second beta please. तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी आपसे कि ब्लड के ऊपर ज्यादा प्रेशर कब एग्जर्ट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फेज पे या रिलैक्सेशन फेज पे, कॉन्ट्रैक्शन पे, ठीक है. व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, से इन दिस डायरेक्शन. व्हेन द ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ा ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल ऑन द ब्लड, है ना. ब्लड वेसल कितना प्रेशर डालती है हमारे ब्लड के ऊपर,
ठीक है, तो यही दोनों फेजेस हमें ब्लड प्रेशर के दो लिमिट्स भी देता है। रिलैक्सेशन फेज पे कम रहेगा प्रेशर और इसके फेज पे कॉन्ट्रैक्शन फेज पे हमेशा ज्यादा होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नॉर्मल है ना, एंड डायस्टोलिक इज 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नॉर्मल, तो वो कम है कंपैरेटिवली, पर प्रेशर तो है। ठीक है, प्रेशर तो है, रिलैक्सेशन है, लेकिन प्रेशर है एग्जर्ट हो रहा। तो जब ये वॉल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन फेज पे है, तो प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगता है। जब ये रिलैक्स हो रही है तब भी इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो बाहर जाने के लिए प्रेशर लग रहा है, पहले अंदर आने के लिए प्रेशर लग रहा था है ना, तब फैलने के लिए लगेगा, पहले अंदर बंद होने के लिए लगेगा। तो ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है फ्रॉम द वॉल्स ऑन टू द ब्लड। ठीक है, द ब्लड वेसल्स वॉल्स दे एग्जर्ट द प्रेशर ऑन टू द ब्लड। तो कंट्रैक्शन फेज पे हमेशा जो प्रेशर एग्जर्टेड होगा वो ज्यादा होगा और रिलैक्सेशन पे कम होगा। दैट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ब्लड बाय द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। डन। नाउ दिस इज ओनली शोन थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। वी बेसिकली नोट डाउन द वर्किंग ऑफ द चैम्बर्स, वी बेसिकली नोट डाउन वेदर द प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस। अब चार प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे देखो, एक एट्रियल सिस्टॉल है तो साथ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है तो साथ एट्रियल डायस्टॉल, और इन सारे के बाद वापस फिर से ज्वाइंट डायस्टॉल पे पहुंचे इकट्ठा, सारे इकट्ठे है ना। तो पांच टोटल फेजेस हो गए, चार तो ये ऑल्टरनेटिव हो गए और पांचवा ये जिसने दोबारा फिर से रीजनरेट करवाना, मतलब फिर से इसने साइकिल शुरुआत करवाना है, कार्डियक साइकिल की शुरुआत दोबारा करवानी है ज्वाइंट डायस्टॉल में, है कि नहीं? ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली मशीन्स की मदद से इसको चेक किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विच इज बीन बिल्ड टू रिप्रेजेंट, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल द फोर फाइव फेजेस अलॉन्ग विद द जॉइंट डायस्टॉल, ऑल द फाइव फेजेस। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तैयार होती है। नाउ व्हाट इज दैट ई सी जीज रिप्रेजेंटेशन, हाउ इट लुक्स लाइक, आप लोगों ने देखा है यूजली हम लोग बनाते हैं, हम लोग रफ अभी तक लेमैन हैं हम लोग, तो हम कैसे बनाते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना देते हैं ना, ऐसे ये होता है, हम तो ऐसे बनाते हैं। दिस इज नॉट एज सच कुछ भी, ये ऐसी रे नहीं चलती है, ये ऐसी लाइन नहीं चलती है, इसका अप्रोप्रिएट एक मेथड है दैट रिप्रेजेंट्स दीज फाइव फेजेस। ठीक है, वो क्या है, आपकी ग्राफिकल लाइन जो है हार्ट की, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगी सबसे पहला एट्रियल सिस्टॉल। एट्रिया का सिस्टॉल हुआ तो प्रेशर कम जनरेट होगा, दिस इज द फर्स्ट पीक। ठीक है, प्रेशर इन कंपैरिजन इज लेस जनरेटेड, ये एक न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है, इसके ऊपर आपको सारे सिस्टॉल्स मिलेंगे, नीचे आपको सारे डायस्टॉल्स मिलेंगे। ठीक है, सिस्टॉल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाले पीक्स मिलेंगे और डायस्टॉल में आपको रिलैक्सेशन वाले पीक्स मिलेंगे ग्राफ के। ठीक है, ये हो गया एट्रियल सिस्टॉल फर्स्ट पीक, देन इसके बाद दिस इज गोइंग टू रिलैक्स द वेंट्रिकल ऑल्सो। एट्रिया का सिस्टॉल हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स भी तो कर रहा है। ठीक है, तभी तो मैंने ये साथ में समझाया था, एट्रिया सिस्टॉल हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टॉल हो रहा है, तो साथ ही यहाँ पे वेंट्रिकल का डायस्टॉल हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा नॉर्मल लाइन से। ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ये डॉटेड मत बनाना, ये हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं देते, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूं, ये नॉर्मल लाइन है, समझ आई? इसके ऊपर जो कर्व गया वो क्या था, सिस्टॉल, किसका, एट्रिया का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आया वेंट्रिकल का डायस्टॉल। अब वेंट्रिकल के डायस्टॉल के बाद वेंट्रिकल सिस्टॉल जो कि है कॉन्ट्रैक्शन फेज, और वेंट्रिकल्स बड़े हैं एट्रिया के कंपैरिजन में, ये बड़े हैं, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे कि एट्रिया ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वेंट्रिकल्स करेंगे, ऑब्वियस है, थिक मस्कुलर वॉल है, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है पूरे ऑर्गन, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना, तो इतना प्रेशर जब ये जनरेट करेगा इट इज गोइंग टू हैव द बिग पीक एज इन कंपेरिजन टू द एट्रियल सिस्टॉल, दिस इज गोइंग टू एग्जर्ट अ बिग पीक। ठीक है, इसको थोड़ा गैप लगा के बनाओ, रुको एक मिनट, इसको एकदम से साथ ही कंटिन्यू नहीं करो। एट्रियल सिस्टॉल अलोंग विद दैट देयर इज देन अ रिवर्सल, ठीक है, दैट इज वेंट्रिकल। अब इसमें पीक आपका फ्लैटेंड आएगा, थोड़ा उधर से उठा रहे हो ना तो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया,
दिस इज द एट्रियल सिस्टोल, रफ में लिख लो साथ में, दिस रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल, दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ये रफ है, ये कभी आपने उसमें लिख के नहीं बताना, ठीक है? आपने जब ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन देना है ना, उसमें ये एएस बीडी ये चीजें नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है? ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था, जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया, तो साथ ही क्या हो रहा है, ऑरिकल डायस्टॉल भी तो हो रहा है, तो ये ऑरिकल डायस्टॉलिक फेज पे चला गया, ठीक है? सो दिस इज ऑरिकल डायस्टॉल, बिलो द लाइन इज द डायस्टॉलिक फेज, ठीक है? गेटिंग? अब इसके बाद क्या होगा, ये चारों चीजें हो गई, ये क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, चार चीजें होगी ना, एक दो तीन चार, डन. पांचवा फेज कौन सा है, ज्वाइंट डायस्टॉल. थोड़े समय बाद अब वापस फिर से क्या होगा, दिस इज गोइंग टू एंटर टूगेदर द ज्वाइंट डायस्टॉल. और ज्वाइंट डायस्टॉल में जो पीक होता है वैसा स्ट्रेट कर्व नहीं होता, इट इज अ शिफ्टेड कर्व, कुछ इस तरह, ठीक है? इट इज अ शिफ्टेड कर्व, शिफ्टेड मीन्स अ बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स अ राइट, लाइक दिस, ठीक है? दिस रिप्रेजेंट्स द ज्वाइंट डायस्टॉल फेस, गेटिंग? अ शिफ्टेड कर्व दैट इज towards the right, it is shifted because further next cycle will be taking place. Okay, so this is what with the normal line आपने इसको straight आगे ले जाना है. So this is what, this is the ECG. ये वाला peak आपका middle में center में बड़ा peak आना चाहिए, ठीक है? Hence we name this ECG peak as PQRST peaks. ये P peak है, पहला वाला P peak. सेकेंड वाला क्यू पीक टुवर्ड्स डाउन साइड, लेकिन पीक है, ठीक है? दैट इज एक्सर्टिंग द डायस्टॉलिक प्रेशर. पी क्यू, दिस इज आर एस एंड टी, ठीक है? ये जो मैंने पहले लिखे ना बीडी एडी, ये सारे सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए. समझ आया? क्लियर हुआ? वो ये पीक्स ही हैं, ये सारी पीक्स हैं. पी पीक, QRS peak, नहीं, that is because ये थोड़ा है, छोटा है chamber और इसमें weak होती है उसकी walls, muscular, musculature as in comparative to the ventricle. That is why it is not very high, ऐसा पूरा peak की form में नहीं होता, ठीक है? So it is curved, ठीक है? A bit flattened or curved you can say. So आगे से जब भी आप अपनी ये बनाएंगे, अभी ECG आप इस तरह की बनाएंगे, ठीक है? Okay. तो ये हमारी एक नॉर्मल ईसीजी आती है. नॉर्मल हार्ट व्हेन ऑल द फोर चैम्बर्स दे आर वर्किंग नॉर्मली, देन इट हैपेंस दैट वी गेट द पर्टिकुलर पीक्स इन दिस मैनर, ठीक है? अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डज द पीक पी रिप्रेजेंट, व्हाट डज द पीक क्यू आर एस रिप्रेजेंट, ऐसा, ठीक है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टी पीक, समझा देंगे आप, ठीक है? जब तक के लिए ये काम शुरुआत हो रहा है, ये एनर्जाइज हो रहा है, दोबारा हो रहा है ना एनर्जाइज, पूरा प्रोसेस है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा एनर्जाइज होता है जॉइंट डायस्टॉल पे. जॉइंट डायस्टॉल से शुरू होना है, वापस फिर से ब्लड एंटर होगा, फिर से सर्कुलेट होगा, एट्रियल सिस्टॉल, ये सिस्टॉल, वो सिस्टॉल, ये डायस्टॉल, वो डायस्टॉल, है ना? तो वो काम कर रहे हैं उस समय तक के लिए. अब यहाँ पे आके इसने रेस्ट किया एक तरह का, और रेस्ट करते करते इसने क्या है, वापस अपनी एनर्जीज दोबारा रीबिल्ट कर ली, है कि नहीं? इन द लेमन लैंग्वेज इफ आई एम सेइंग, तो दिस इज टेकिंग रेस्ट. हार्ट इज टेकिंग रेस्ट ना, दोनों ने पहले इतना काम किया, डायस्टॉल किया, सिस्टॉल किया, एट्रिया ने और वेंट्रिकल ने, अब उसके बाद दोनों जॉइंटली रिलैक्स हो गए, है ना? दे आर टेकिंग रेस्ट. सो दिस इज द रेस्टिंग फेज, टी पीक, एंड दिस पीक रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन मीन्स दैट इज टू अटेन द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरगोइंग कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगेन, दैट इज रीपोलराइजेशन. वापस फिर से ये सारी अबिलिटीज लेना, दोबारा ले लेना, ताकि वो वापस फिर से सिस्टॉल डायस्टॉल शो कर सके, इट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन. टी पीक रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन. ओके, आफ्टर दिस, ये टी के बाद क्या होगा, यही वाला सारा कंटिन्यू होगा, है ना? पहले पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, है ना? तो जब तक ये पी क्यू आर एस से जा रहा है, तब तक के लिए ये अपनी जो पोलराइजेशन इसने इकट्ठी की है उसको लॉस्ट कर रहा है. तो क्या बोलेंगे हम, दीज ऑल पीक्स दैट इज फ्रॉम पी टू एस, दे रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन.
They represent depolarization, losing the capacity, that is its excitation capacity. द्वारा मतलब जो फिर से उसने एक कार्डियक साइकिल पहले सारी एनर्जी गेन करी जॉइंट डायस्टोल पे और बाद में उसने ये सारी एनर्जी धीरे 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 खत्म हो रही है, वापस बैक टू ट्रैक, फिर से रेस्ट लेगा, फिर से काम करे. ठीक है. सो दिस इज नॉट एवरी टाइम, इट इज नॉट बीटिंग बीटिंग एंड बीटिंग एंड बीटिंग. ठीक है. राइट. इट इज ऑल्सो टेकिंग द रेस्ट ऑफ 0.1 सेकेंड इन बिटवीन द टू साइकल्स, टू कंसेक्यूटिव साइकल्स, PQRS, PQRS, and in between there is repolarization gap, that is for 0.1 seconds. So this is ECG. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नवा क्वेश्चन है. रिप्रेजेंटेशन कई बार पूरी आ जाती है. एक्सप्लेन ईसीजी, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द अलग अलग ये सारी पीक्स. ठीक है. हर चीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये आपको शॉर्ट्स में लिखवा दी है. आप ये याद रखना कब किसका क्या शो कर रहे हैं. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन में आपने ये नहीं लिखना, सिस्टोल डायस्टोल नहीं लिखना, आपने सिर्फ लाइन बनानी है और PQRST लिखना, बस ये कुछ नहीं लिखना, ये सारी चीजें नहीं लिखनी. समझ आ गया. इजी. एंड लास्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू, दैट इज द बॉडी फ्लूइड. वी आर लेफ्ट विद दैट इज द लिम्फ. सो व्हाट इज दिस लिम्फ? लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यू दैट बेसिकली विच हैज दिस हैज द लेसर नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड मोर फैट्स इन कंपेरिजन टू द ब्लड. ब्लड के अंदर फैट्स कम होती हैं, प्रोटीन ज्यादा होती हैं. हमने पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में, प्रोटीन 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, है ना. तो वो ब्लड के अंदर होती है. लिम्फ के अंदर देर आर लेसर प्रोटीन्स मोर फैट्स. ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस लिम्फ, दे डू नॉट हैव द RBCs और द प्लेटलेट्स. दे हैव ओनली द प्लाज्मा एंड द WBCs. सो फ्रॉम हेयर वी कैन फिगर आउट दैट देयर मेजर वर्क इज फॉर अगेंस्ट द पैथोजेंस, एंटीजेंस. To fight against the pathogens, they are also helpful fighting against the pathogens. They have the plasma and the WBCs. They have lesser number of proteins. They have more fats. Also, this lymph is basically involved for the removal of the cellular waste from our body. जो cellular waste है, एक तो इसका defense में काम आ गया ना, that it helps in the defense mechanism with the help of WBCs. ठीक है. सेकेंड इज का इट हेल्प्स टू डीजनरेट द वेस्ट, सेलुलर वेस्ट. ठीक है. ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज अ फ्लूइड विच इज कैरिंग ऑल द वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है. एंड इट सेंड्स इट टू द लिम्फ नोड्स. बीच बीच में ना, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, अगर ऑर्गेनाइज हो रही हैं इस तरह से, तो ये क्या है, काफी सारी एक ही जगह पे अगर इकट्ठी हो रही है तो वहां पे ये नोड बना देती, नोड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो लिम्फ वेसल्स के साथ साथ बीच में नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो ये लिम्फ जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है, अपना लिम्फ लेके जाते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया, इसके अंदर वो सारा का सारा डीजनरेट होता जाएगा. ठीक है. लिम्फ नोड्स में डाल देते हैं, वहां जाके ये सारे डीजनरेट होते रहते हैं. RBCs जैसे हैं, ये उठा के स्प्लीन के अंदर ले जाए जाएंगे, वहां पे ग्रेवयार्ड है तो वहां RBCs को डीजनरेट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. ठीक है. सो काइंड ऑफ दिस मैकेनिज्म, दैट इज रिमूवल ऑफ द सेलुलर वेस्ट. ठीक है. और दिस डिफेंस मैकेनिज्म. So this lymph is basically the colorless, or you can say whitish, off whitish colored material fluid, that which flows within our body. ठीक है. Having less proteins, more fat, helpful in the defense mechanism and the removal of the cellular waste. Right. This basically works with the help of this lymphatic pura system, which has the lymph nodes, helpful for degenerating the materials. And is this okay now? So with this we finish over this syllabus and the chapter. Kya ji? Lymph nodes hamari kya hai? Uske andar jo cells hai na, wo destroy hote rehte hain. They are the structures where these cellular materials will be like, unko time milta hai, wo apne aap degenerate ho jayenge. Cellular hai kya? Sara kuch hamare smaller biomolecules se hi bana hai na. Wo bana tha pehle, ab wo dobara degenerate ho gaya, biomolecules ki form mein aa gaya. वो बायोमोलिक्यूल्स फिर से फ्लो कर जाएंगे बॉडी में, जहां चाहिए वहां पे पहुंच जाएंगे, है ना. तो रिवर्सल वहीं पे ही होता रहता है. इसलिए हमारा जो इनबिल्ट है अंदर ही, हमारा मैकेनिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो है, वो अपने आप ही चलते जा रहा है. ठीक है. हाँ जी, क्लियर. सो दिस इज द लास्ट ऑफ योर दिस चैप्टर एज वेल एज योर सिलेबस. सो वी हैव फिनिश्ड द होल सिलेबस ऑफ PT4, योर फाइनल्स एंड
And we are all set with our final exams now. Now from Monday onwards, we'll be having the revisions. And Wednesday, you are having your first revision test. Okay. Any doubts to anyone?